अस्सलाम वालेकुम, राज की टीम आज आपके सामने एक ऐसा केस लेके आई है जिसको बहुत से लोग इस जिन चीजों की हम इन्वेस्टिगेशन करते फिर रहे हैं, ये जो एक पूरा इल्म है, इससे वाबस्तगी ना होने की वजह से, इस इल्म के बारे में नॉलेज ना होने की वजह से बहुत से लोग उसको यही केस समझ लेते हैं। और बाज़ूकात ऐसा होता है कि वो मेडिकल का केस नहीं होता, वो कुछ और होता है। पाकिस्तान में जो एक प्रॉब्लम आ रहा है वो ये है कि हम लोग तोहम परस्त बहुत ज़्यादा हैं, जबकि हमें ऐसा होना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला की ज़ात से वाबस्तगी ना रखने की वजह से, दूरी होने की वजह से, और सिर्फ दुनिया में मसरूफ होने की वजह से, हम हर चीज़, हर उस परेशानी को वाबस्ता कर लेते हैं इन चीज़ों से, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत से कम ऐसे केसेस होते हैं जिसमें इन चीज़ों का अमल दखल होता है। राज की टीम ने एक पहले प्रोग्राम किया था, वहाँ पे हमारे साथ एक वाकया हुआ जो पिछले प्रोग्राम में आप देख भी चुके हैं। हमारे साथ कासिम थे, वो जो कुछ हुआ वो अपने कैमरे की आंख से सब देख लिया, लेकिन मुझे बाद में पता लगा कि कासिम के साथ जो कंडीशन है वो बड़ी डेंजरस हो चुकी है। डेंजरस इस सेंस में कि रात को अक्सर वही कैफियत उनके ऊपर दोबारा आने लगी। जिस वक्त हमने प्रोग्राम किया था, फौरी तौर पे आपने देखा था पूरी टीम ने, हमने अपनी तरफ से कवर करने की कोशिश की, वहाँ पे पढ़ाई का जो सिलसिला था वो कर लिया गया और हमें काफ़ी टाइम लगा उसके ऊपर, लेकिन उसको जैसे कैसे हमने वहाँ पे मैनेज कर लिया था। कासिम को बहुत हद तक हमने नॉर्मल कर लिया था, उसके बाद हम टीम वहाँ से जितनी स्पीडी हो सकती थी हम लोगों ने मूव किया और हम पहुँच गए। बट कासिम के साथ जो कंडीशन वो चलती रही वो इस तरह की रही कि अक्सर रात को, दिन को बहुत कम, वो कंडीशन जो उस वक्त हमने अपनी आंखों से देखी थी वो हमें दोबारा नजर आती रही। जो बताया गया कि वो नॉर्मल नहीं है, उसके अंदर इतनी पावर आ जाती है कि वो एक हाथ से ऐसा कुछ उठा लेता है जो अनबिलीवेबल है। तो उस सिलसिले में आज राज की टीम एक जगह पे मौजूद है। देखा होगा कि इन्वेस्टिगेशन की बजाय आज हमारी जो टीम है वो एक रूम के अंदर मौजूद है, तो मैं ज़रूर इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरे साथ इसको मौजूद हैं पीरज़ादा मज़हर फारूक, लेकिन आप इनको रोही टी वी पर देख चुके हैं। इनका यही एक सिलसिला है ज़िंदगी में, और भी बहुत सी चीज़ें हैं इनके साथ, लेकिन ये जो सिलसिला है इस अमलियात का उससे वाबस्ता हैं। पहले भी मैं इनके पास आ चुका हूँ और बहुत सारा मुझे जो हेल्प चाहिए होती है वो मैं मज़हर फारूक साहब से लेता होता हूँ। हमारी इस मामले में बड़ी डिस्कशन रहती है, काफ़ी हम लोग आपस में डिस्कस करते रहते हैं ये चीज़ें। तो आज आने का जो मकसद है, यकीनन कैमरा दिखा रहा होगा, कासिम हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं हमारे इस वक्त, इनके साथ बहुत अच्छी गपशप है। इनके साथ ये जो सिलसिला है ये बार बार हो रहा है। सभी लोगों को मैं अस्सलाम वालेकुम कहूँगा। आज हम आपके पास आए हैं, आने का मतलब ये है कि व्यूअर्स इस वक्त जो हमें देख रहे हैं, और भी बहुत से केसेस हैं जिन पे मैं आपको साथ लेके जाऊंगा, मेरी ख्वाहिश है उन केसेस को आप जाके पहले तो अपनी आंख से देखें कि क्या वो मेडिकल का केस है या इन चीज़ों से वाबस्ता वो केस है। सेकेंडली, आज कासिम हमारे सामने मौजूद हैं और काफ़ी टाइम हो गया मैं रिकॉर्डिंग की है, बट वो सिलसिला इनके साथ अभी चल रहा है। मैं खुद काफ़ी बीमार रहा हूँ और रही, और पूरी टीम मेरी बहुत ज़्यादा केयर करती थी, बट अब मैं काफ़ी हद बेहतर हो चुका हूँ। मदर भाई, जिस तरह आपका एक सिलसिला है और बहुत से लोग आपके इस आस्थाने पे आके, बहुत से लोगों को आप वैसे भी भेज देते हैं कि नहीं ये मेडिकल का केस है, बहुत से लोगों को आपने इलाज किया और वो शफायाब होके गए, पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा इस एक एक इंसान के ऊपर ये चीज़ें क्यों आती हैं। इंसान जब गाफिल होता है अल्लाह वबरक व तआला की इबादत से, यानी कि खुदा को भूल जाता है, दुनियादारों के काम में रहता है, लालच इस हवस की खातिर अपने आप को दुनिया में आने का मकसद भूल जाता है, यानी कि अपना इंसान का दुनिया में आने का मकसद जो है, जब इंसान भूलता है तो गाफिल होता है। बुजुर्ग फरमाते हैं, जो दम गाफिल सो दम काफिर। जब इंसान गफलत होता है, अल्लाह और रसूल की बात नहीं करता, नमाज नहीं रखता, पढ़ता रोज़ा नहीं रखता, बड़ों का अदब नहीं करता, किसी गुस्ताखी कर बैठता है, माँ बाप की गुस्ताखी कर बैठता है, तो आजमाइश में आ जाता है, आजमाइश में आ जाता है, जिसमें ये शैतानी चीज़ें हैं। कोई मुस्लिम है, कोई नॉन मुस्लिम है, जैसे इंसान है, इंसानों में मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, यहूदी हैं, नसरानी हैं, इस किस्म में असरात भी इस किस्म के हैं। जिन्नात में नूरी जो जिन्नात हैं, परी हैं, जिन हैं, नेक जिन भी हैं, शैतानी में देव हैं, हनुमान, खेतरपाल, और मुख्तलिफ किस्म की बलाएँ हैं, बदरुए भी हैं, चमगादड़े भी हैं और चुड़ैले भी हैं।
یعنی کہ انسان جب غافل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جاتا ہے. تو مومن تو مومن کو پتہ ازمائش ہے, ازمائش میں پتہ اترتا ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے. ازمائش میں پورا اترنے کا مقصد یہ ہے, علاج کرتا ہے, سنت پہ عمل کرتا ہے, اللہ رسول کی عبادت کرتا ہے. ہم مسلمان نام کے ہیں, کام کے تو نہیں ہیں. جب ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے, کوئی پرابلم آتا ہے, کوئی گھڑی آتی ہے, اس وقت ہم خدا کو یاد کرتے ہیں, اس سے پہلے یاد نہیں کرتے. یہ وجہ ہے. مطلب اللہ, وہ جس طرح میں نے کہہ دیا ویس کو کہ اللہ سے دوری کی وجہ سے ہم لوگ مشکلات کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. جی آج راز کے لیے بھی ایک اور ڈیفینیٹلی ہم, آپ نے ہمیں بہت سی جگہوں پہ انویسٹیگیشن کرتے ہوئے دیکھا ہے, لیکن ایسی بات ہے آپ کی دعاؤں کے صدقے, وہ سچی نیت سے کی گئی آپ کی دعائیں اور اللہ کی رحمت کے صدقے ہم لوگ گئے اور انویسٹیگیشن کو کمپلیٹ کر کے واپس آئے. بہت دفعہ واپسی پہ بھی ہمیں بہت سے پرابلم آئے, لیکن اس وقت ہمیں جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں, ہم بھاگ نہیں کرتے ہیں, مے بی کیمروں کو رول نہیں کرتے اور کہتے ہیں بس نکل جائیں اس رینج سے, مزید کیا ریکارڈ کرنا ہے. بٹ آج قاسم میرے سامنے ہیں, اس وقت بالکل نارمل. کیا سر کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں, بالکل فرسٹ کلاس ہیں. قاسم کا میں انٹروڈکشن ضرور دوں گا, بہت ہی خوبصورت دل کا مالک, میرا دوست, میرا بھائی. بہت سا ٹائم ہم نے اب تو اکٹھے گزارنا شروع کر دیا ہے, وہاں پہ بہت سی ان کے ساتھ گپ شپ بھی ہوتی رہی, بٹ ان کی جو کنڈیشنز ہے مزے کی بات یہ ہے اس کنڈیشنز کا ان کو خود نہیں پتہ چلتا. میں ان کے سامنے کیا ڈسکس کروں وہ کنڈیشن ان کی, کیونکہ ریکارڈنگ جو ہے وہ تو انہوں نے دیکھ لی بٹ ان کو یقین نہیں آیا کہ یہ میں ہوں. ڈیفینیٹلی انسان خود نہیں ہوتا, اس کے اندر کچھ اور ہوتا ہے. وہ یہ سلسلہ آج میں چاہوں گا کہ کیمرے کی آنکھ کے سامنے آج ہم ریکارڈ بھی کریں اور دیکھیں کیا آیا ہے. سب سے پہلے مدر بھائی میں آپ سے چاہوں گا, آپ سے آنے کا جو مقصد ہے وہ ہمارا یہی ہے, قاسم آپ کے سامنے ہے, سب سے پہلے تو آپ اپنی اس آنکھ سے دیکھیں یہ کیا سلسلہ ہے, یہ کیا ہے ان کے ساتھ جو یہ چیز ہو رہا ہے. ہم ایک لوکیشن پہ گئے تھے, وہاں پہ ہم نے ریکارڈنگ کی, تب سے یہ سلسلہ ان کے ساتھ چل رہا ہے, یہ کیا ہے؟ یہ شیطانی چیز اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے نا اس کو, اس کا جگر ڈیمیج ہو گیا ہے, اعصاب کمزور ہو گئے, اچانک دورانے پڑتے ہیں, اچانک جھٹکے پڑتے ہیں اس کے اوپر. یہ کوئی مسلم چیز نہیں لگ رہی مجھے, یہ تو انشاءاللہ بھی ہے, اسے عادت کرنے کی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں, بفضل خدا صدقہ پیر و مرشد کے انشاءاللہ کنٹرول کریں گے اس کو. یہ اب آنکھوں میں اتر رہی ہے, ہلکی ہلکی کیفیت شروع ہو رہی ہے اس کی, ہیں انشاءاللہ. جی تھوڑا سا ادھر ہو, ہاں سامنے لو قاسم. میں ویور کو بھی ساتھ ساتھ شیئر کرتا جاؤں کہ جو سلسلہ ہم کر کے ریکارڈنگ کا, اس کے بعد بھی یہ نارمل نہیں ہوا, لیکن ہمارے سامنے کبھی نہیں ہوا, اکیلے میں ہی اس کے ساتھ ہو رہا ہے. تو آج سو ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک تو پہلے ایک چیک کر لیا جائے کہ آیا کچھ ایسا ہے, اور اگر ہے تو ایسا کیوں ہے.